तो स्वागत है आप सभी का संडे टॉक के इस नए वीडियो में। और फाइनली बहुत दिनों के बाद संडे टॉक के माध्यम से आज संडे के दिन हम लोग ढेर सारी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, खास खास बातें। ठीक है, तो इस वीक में, इस सप्ताह में आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा कमेंट आया हमारे कमेंट बॉक्स में वो ये था कि हम अपनी उर्दू की हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, हाउ टू इम्प्रूव आवर उर्दू हैंड राइटिंग। तो इसी चीज़ पर बात करने वाली हूँ आज के संडे टॉक के वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आप लोगों का उर्दू का हैंड राइटिंग सुंदर और अट्रैक्टिव देखें, देन आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूँ ना, जिसका यूज़ करके आप उर्दू के हैंडराइटिंग को तो अट्रैक्टिव और सुंदर बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज के हैंडराइटिंग को सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक, इतना ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ। और अंत तक वीडियो को देखिए, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। ये टॉक है, संडे टॉक, बातचीत की तरह हम लोग समझेंगे। आज मैं कुछ पढ़ाने वाले नहीं हूँ, मैं मार कर रख लेती हूँ। ठीक, तो चलिए डिस्कस करती हूँ, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही पूछूंगी कि क्या आप लोग तैयार हैं किस चीज़ के लिए। जो भी मैं फार्मूला आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उस फार्मूले को अपने आप के ऊपर 100% अप्लाई करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है ही नहीं, लेकिन वो उतना मेहनत नहीं कर पाते, उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जब बोला जाता है लिखने के लिए तो वो लिखते नहीं हैं। ठीक, कंजूसी करने लगते हैं लिखने में। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो भी फार्मूला आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी हैंडराइटिंग अट्रैक्टिव बनाने का, हैंडराइटिंग सुधारने का, उस फार्मूले को अपने आप के ऊपर 100% अप्लाई करना है। 1% भी कंजूसी नहीं चलेगी। क्या बोलते हैं गांव देहात में, हाँ, देह चोरी। ठीक, तो इस फार्मूले को अप्लाई करने में आप लोगों को 1% भी देह चोरी नहीं करनी है। जो मैं बोल दूँ कि इतना लिखना है तो हाँ, उतना लिखना है किसी भी हाल में। ये नहीं कि कल लिख लूँगा या फिर कल लिख लूँगी या फिर बाद में लिख, ऐसा नहीं है, लिखना है तो लिखना है। ठीक, तो 1% भी देह चोरी नहीं चलना चाहिए। जब आप इस फार्मूले को अपने आप पर 100% अप्लाई करेंगे ना, तब मैं गारंटी ठोक कर बोलती हूँ कि आप लोगों का हैंडराइटिंग जो है ना, एकदम सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, तो अब चलिए मैं आप लोगों को वो फार्मूला और वो ट्रिक बताती हूँ कि आखिर वो ट्रिक क्या है, वो फार्मूला क्या है जिसके माध्यम से, जिसका यूज़ करके आप हैंडराइटिंग खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, मैं उर्दू का एग्जांपल लेकर आप लोगों को समझाती हूँ और बाकी आप हिंदी इंग्लिश में इसी को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए, उर्दू में अलिफ से लेकर बड़ी ए तक टोटल कितना अक्षर होता है, कितना लेटर होता है, तो 38 यानी कि 38 अक्षर होता है। तो जो उर्दू का सबसे पहला अक्षर है अलिफ, उसको आप लोग 38 बार लिखे, 38 बार लिखे, अलिफ 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 38 बार आप लोगों को लिखना है। आप लोग कहेंगे कि अलिफ तो लिखना आसान ही है, इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नहीं, नहीं चलेगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि अलिफ बे में भी जुड़ता है, पे में भी जुड़ता है, टे में भी जुड़ता है, जिम में भी जुड़ता है, टे में भी जुड़ता है, फे में भी जुड़ता है। तो अलिफ को किसी दूसरे अक्षर में सही तरीके से जोड़ने के लिए आप लोगों को बार बार अलिफ लिखकर प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए अलिफ को बे में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये हो गया बे और इसी में आप अलिफ जोड़ दिए। ठीक, तो ये हो गया बा। तो ये मैं अलिफ लिखकर बार बार प्रैक्टिस की हूँ, मुझे अलिफ लिखने का प्रैक्टिस हो गया, तब तो मैं इतना सीधा जोड़ दी बे में अलिफ जुड़कर बा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो पता है आप लोगों के साथ कैसा होगा, कभी इधर चला जाएगा टेढ़ा हो जाएगा, कभी इधर अलिफ टेढ़ा हो जाएगा, या फिर कभी इस तरह हो जाएगा, या फिर कभी इस तरह हो जाएगा। तो आप लोगों का सीधा जुड़ेगा ही नहीं, थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा या फिर थोड़ा सा इस तरह हो जाएगा, माइनर था, सीधा आप लोगों से खिंचाएगा ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए, आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। आप अपने मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपकी मोटरसाइकिल जो है ना वो ख़राब हो गई। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपकी मोटरसाइकिल रास्ते में ख़राब हो गई, आप क्या करते हैं? आप अपने मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास लेकर जाते हैं। मोटरसाइकिल जो मिस्त्री होता है, मैकेनिक, वो आपके मोटरसाइकिल पर एक हथौड़ा ज़ोर से मारता है और आपकी मोटरसाइकिल ठीक हो जाती है। ठीक, आप कहते हैं चलो भाई, तब कितना पैसा दे दिया जाए, हमारा मोटरसाइकिल आप ठीक कर दिए। तो वो जो मिस्त्री है वो कहता है कि ठीक है, आप हमको 100 रुपया दे दीजिए। तो आप कहते हैं, क्या मिस्त्री, सिर्फ आप एक हथौड़ा मार दिए और इसी का आप 100 रुपया ले रहे हैं? तो पता है उस वक्त मिस्त्री क्या कहता है? मिस्त्री कहता है कि आप मेरा सिर्फ एक हथौड़ा मारना ना देखें, इस एक हथौड़े को सही तरीके से सही जगह पर मारने के लिए मैं इसके पहले कितना बार हथौड़ा मारा हूँ, कितना बार प्रैक्टिस किया हूँ, ये तो आप नहीं देखे हैं ना। बार बार मैं हथौड़ा मारने की वजह से तब सीखा हूँ कि सही तरीके से सही जगह पर कैसे हथौड़ा मारा जाए। अगर आपको यही चीज़ हथौड़ा मारना आता तो आप खुद मार लेते ना, खुद अपनी गाड़ी ठीक कर लेते, मेरे पास क्यों आए?
तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह वो मिस्त्री है वो बार बार हथौड़ा मारने से सही तरीके से सही जगह पर हथौड़ा मारना सीख गया है, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को भी क्या करना है, जब बार बार अलिफ लिखेंगे ना, अलिफ लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अलिफ लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और किस तरह सही तरीके से सही जगह पर कैसे जोड़ना है आप लोगों को ये आ जाएगा। बे में किस तरह अलिफ जोड़ा जाएगा, ते में किस तरह अलिफ जोड़ा जाएगा, ये आप लोगों को आसानी से आ जाएगा जब आप अलिफ लिख कर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। ठीक, तो वही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी तरह आप लोगों को उर्दू का जो दूसरा अक्षर है बे, बे को भी 38 बार लिखना है, बे 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 बे। फिर पे आता है, पे को लिखना है पे पे पे। मतलब इसी तरह अलिफ से लेकर बड़ी ए तक जितना भी लेटर है, जितना भी अक्षर है, हर अक्षर को आप लोगों को 38 बार लिखना है। ठीक, जब ये आप लिख कर कंप्लीट कर ले, और तब तक ये आप लिखते रहे अलिफ से लेकर बड़ी ए तक 38 बार, जब तक आप लोग को खुद संतुष्टि ना मिले कि हाँ मैं अच्छा लिख पा रहा हूँ या फिर लिख पा रही हूँ। जब ये आप लोग को लग जाए कि हाँ मुझे सारा अक्षर जो है ना, उर्दू का जितना भी अक्षर जितना भी हर्फ है वो अच्छे से बनाने आ गया, तब आप लोग को आ जाना है मेरे उर्दू फॉर बिगनर्स के प्लेलिस्ट पर, जहाँ मैं सभी लोगों को जीरो लेवल से उर्दू सिखाती हूँ। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर उर्दू फॉर बिगनर्स, या फिर इसी चैनल के लोगों पर क्लिक करें, ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो उर्दू फॉर बिगनर्स का आप लोग को प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो उसी पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों का 1x1 करके सारा वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। तो एक एक करके सारे वीडियो को आप लोगों को देख लेना है, वहाँ पर मैं हर एक चीज़ बताई हूँ कि उर्दू को कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, अलिफ से लेकर बड़ी तक प्रत्येक अक्षर को मैं लिखना बताई हूँ, पढ़ना बताई हूँ। ठीक है, तो वो हर एक वीडियो को आप लोगों को देख लेना है। ठीक, और उसी में मैं आप लोगों को बताई हूँ दो अक्षर से मिलकर बने हुए उर्दू के शब्द। तो अब दो अक्षर से मिलकर बने हुए उर्दू के शब्दों को आप लोगों को लिखना है। ठीक, कैसे जोड़ा जाता है वो सारा चीज़ बता दी हूँ। तो दो अक्षर से बने हुए उर्दू के शब्दों को अब आप लोगों को लिखना है, और तब तक लिखना है जब तक आप लोगों को ना लग जाए कि हाँ मेरा दो अक्षर से बना हुआ जो उर्दू का शब्द है ये अच्छा हैंडराइटिंग हो रहा है कि नहीं। जब आप लोग को लग जाए कि हाँ अच्छा हैंडराइटिंग हो रहा है दो अक्षर से बने हुए शब्दों का, तब फिर आप लोग तीन अक्षर पर चले जाए। अब तीन अक्षर से मिलकर बने हुए उर्दू के शब्दों को लिखना शुरू करें, और जब आप लोगों को लग जाए कि हाँ अब तीन अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्दों को भी हम अच्छा से लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो अब चार अक्षर पर चले जाए, चार अक्षर से बने हुए उर्दू के शब्दों को अब लिखना शुरू कर दें। और जब आप लोगों को यहाँ पर भी लग जाए कि हाँ मेरा चार अक्षर से मिलकर बने हुए उर्दू के शब्दों का भी हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा है, तब आप लोगों को क्या करना है, उर्दू का जो लंबा लंबा सेंटेंसेस है अब वो लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, जैसे कि उर्दू में छोटा छोटा कहानी नहीं होता है, कहानी मजमून खाका वगैरह होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी 4-5 लाइन का उर्दू लिखा हुआ दिखाई दे तो अब उसको लिखना शुरू कर देना है। अगर आप लोगों को कहीं नहीं दिखाई दे रहा है उर्दू लिखा हुआ, नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप लोगों के पास उर्दू का बुक नहीं है, तो मैं कितना 10th और 12th को चैप्टर पढ़ाती हूँ उसी में से 4-5 लाइन उठा लीजिए और उसी को लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक, और इसी तरह आप लोग क्वांटिटी बढ़ाते जाइए लिखने का। इस तरह मैं जीरो लेवल से शुरू की थी, पहले अक्षर लिखिए, फिर दो अक्षर से जुड़ा हुआ शब्द लिखिए, फिर तीन अक्षर, तो इस तरह क्वांटिटी बढ़ाते है, छोटा छोटा पहले सेंटेंसेस लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक पेज लिखना शुरू कर दीजिए, और इस तरह आप लोग की हैंडराइटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। तब आप लोग पहले की हैंडराइटिंग से मिलाइएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, आप लोग की हैंडराइटिंग जो है ना अट्रैक्टिव दिखेगी, सुंदर दिखेगी। तो इस तरह आप लोगों का उर्दू फॉर बिगनर्स का जो प्लेलिस्ट है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोग वहाँ पर जाकर पहले ये लिख कर प्रैक्टिस कर ले, पहले अलिफ से लेकर बड़ी ए तक हर एक जितना भी अक्षर है आज ही से आप लोग शुरू कर दें, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक जितना भी लेटर है उसको 38 बार लिखें। ठीक, और फिर जब ये आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए तब आप लोग को जाना है उर्दू फॉर बिगनर्स के प्लेलिस्ट पर। बस आप लोग को यही करना है और आप आसानी से उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे, और उर्दू फॉर बिगनर्स के अगर प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आप पढ़ना भी, अगर आप लोग को पढ़ने भी नहीं आता है ना तो उर्दू लिखना पढ़ना सब कुछ सीख जाएंगे। जब तक मैं हूँ ना आप लोग को उर्दू में तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये सारी बात थी। ठीक, और इस यही फार्मूले का यूज़ आप लोग को हिंदी और इंग्लिश में भी करना है। अगर आप लोग की हिंदी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो हिंदी का जो वर्णमाला है क से लेकर ज्ञ तक, उसको हर एक अक्षर को 38 बार लिखना शुरू कर दीजिए। क क क क क 38 बार लिखिए, 38 बार, फिर ख ख ख ख, फिर ग ग ग, इस तरह लिखेंगे ना तो आप लोग को मालूम चलेगा कि हाँ क कैसे बनाया जाए, आप लोग का खुद माइंड हंट करेगा कि क ऐसे बनाया जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, इस तरह सुंदर दिखे। इस तरह आप लोग हिंदी के भी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं, या फिर इंग्लिश के, या फिर किसी भी लैंग्वेज के हैंडराइटिंग को आप सुधार सकते हैं और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये था वो फार्मूला, आप लोग यूज़ कीजिए, लेकिन 1% भी दहचोरी नहीं कीजिएगा, इसको 100% अपने आप के ऊपर अप्लाई कीजिए और तब आप लोग देखेंगे कि आप लोग का हैंडराइटिंग जो है ना वो अट्रैक्टिव दिखने, सुंदर दिखेगा।
ठीक, तो ये थी सारी बात। आई थिंक आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट संडे टॉक के वीडियो में हमें कौन से टॉपिक पर डिस्कस करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये तो अब आप लोगों का संडे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट संडे आएगा एक सप्ताह, एक वीक के बाद। तो एक सप्ताह में आप लोगों का जिस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, उसी टॉपिक को उठाकर नेक्स्ट संडे टॉक के वीडियो में हम बातचीत करेंगे और उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चारों तरफ शेयर कर दें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ना, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आप लोग को दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन इनकी घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।